हेलो फ्रेंड्स, वेल कम टू आदर्स एकेडमी। माई सेल्फ अल्पना। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में अपने बीपीएससी के टॉप 200 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके बीपीएससी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो 1 जुलाई को है, और उस एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपको पीडीएफ अगर चाहिए हमारे वीडियोज़ का, तो आप www.adarsacademyeducation.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे सभी प्रकार की पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अपने टेस्ट को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा तो आप तुरंत वीडियो पॉज करें और कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का सोख कहते हैं? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। इसका उत्तर है फ्रेंड्स बी, कोसी नदी को। तो बिहार का सोख किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है, नेक्स्ट वन, बिहार में पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? इसका करेक्ट आंसर है सी, फतुआ। ओके, नेक्स्ट वन, काकोला जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये जो जलप्रपात है वो सी, नवादा जिले में है। फ्रेंड्स, बिहार का एक जिला है नवादा, वहीं पे काकोला जलप्रपात है। फ्रेंड्स, वहाँ पे एक जल की धारा जो 365 दिन और 24 घंटे वहाँ पे फ्लो होता रहता है, वो जो वहाँ का जो जल होता है वो बहुत ही ठंडा होता है, तो लोग गर्मी में ग्रीष्म ऋतु में वहाँ पे आनंद लेने के लिए अक्सर लोग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड बिहार के मुंगेर जिले में स्थित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ए, ब्रह्मकुंड। ठीक है, देखिए साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि जब बिहार के मुंगेर जिले में ये ब्रह्मकुंड नहीं है, लेकिन बाकी का जो 3 ऑप्शन दे रखा है वो है। ठीक है, तो कौन कौन सा है? सीताकुंड है, ब्रह्मकुंड है, ऋषिकुंड है। ठीक है, तो आपको यहाँ से 2 प्रश्न अराइज हो रहे हैं। नेक्स्ट वन, बिहार में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? अगर आपको उत्तर मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। इसका करेक्ट आंसर है बी, नलकूप। नेक्स्ट वन, बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? करेक्ट आंसर इज सोन नहर। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, मिलान करें हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स सी, मतलब सारण नहर जो है वो आपका है गंडक नदी पर बना है, राजपुर नहर जो है वो आपका है आपका कोसी में, और सोन नहर जो है वो है आपका सोन में। ठीक है, और ढाका नहर जो है वो है लल वाकिया में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक आहर या पाइन द्वारा सिंचाई की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है गया। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी, चावल। ओके, धान की खेती सबसे ज्यादा बिहार में किया जाता है। बिहार में मक्का की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? इसका सही उत्तर है सी, बालसुंदरी। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। जो उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? बी, दूसरा, सेकंड स्थान है इसका। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है पहला स्थान किसका है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में पहला है? इसका सही उत्तर है बी, मड़ुआ। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। मड़ुआ एक होता है, मतलब उसको बनाया जाता है, उसकी रोटी बनाई जाती है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, आलू उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा क्षेत्र भारत में प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ए, बिहार शरीफ। ओके, नेक्स्ट वन, बिहार में जूट सर्वाधिक किस जिले में पैदा किया जाता है? सही उत्तर है पूर्णिया। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। बिहार में चीनी उद्योग की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट उत्तर है ए, 1904 ईस्वी को। ओके, तो चीनी उद्योग की स्थापना कब हुई? 1904 में। बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है फुलवारी शरीफ में। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट वन, बिहार में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ से किया जाता है? इसका करेक्ट उत्तर है फ्रेंड्स सी, भागलपुर। नेक्स्ट वन, बिहार में तंबाकू एवं बीड़ी पत्ता उद्योग का प्रमुख केंद्र दिलवारपुर किस जिले में स्थित है? वहाँ पे सबसे ज़्यादा तंबाकू और बीड़ी पत्ता उद्योग है फ्रेंड्स। तो ये जो जिला है वो है मुंगेर। ओके, बिहार में कालीन एवं गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, कालीन दैट इज कॉल्ड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कारपेट। ओके, इसका सही उत्तर है आपका ओबरा। ओबरा में मतलब कि ये जो कालीन और गलीचा निर्माण के लिए ओबरा बहुत फेमस है। ठीक है, बिहार में माल ढुलाई डब्बे तैयार करने के लिए भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही उत्तर है मोकामा। ओके, बिहार में एक जिला है मोकामा, वहीं पे स्थापना किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन, भारत सरकार के प्रबंधन में बिहार को किस स्थान पर तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई है? इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स बी, बरौनी। बी इज द करेक्ट आंसर। बिहार के किस जिले में सोने के नवीन भंडारों का पता चला है? इसका सही, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट इशू है फ्रेंड, मे भी पूछ दे ये। इसका सही उत्तर है मुंगेर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड राज्य में कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, फतुआ। फतुआ इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो ये रहा आपका फ्रेंड्स बिहार से रिलेटेड टॉप 200 क्वेश्चंस का सीरीज। नेक्स्ट हम जल्द लेकर आएंगे फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना जरूर मत भूलिएगा और शेयर कीजिए फ्रेंड्स। आप वीडियो जब देख लेंगे पूरा, एक एट फर्स्ट आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियोस देखना है और देखने के बाद आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है फ्रेंड्स। ठीक है, और कमेंट कीजिए किसी प्रकार की क्वेरी हो तो। और फ्रेंड्स आप मेरे वेबसाइट में जरूर से जरूर विजिट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम।